लेकिन दूध मैं हमेशा एक गिलास पीती हूँ, और दही खाती हूँ, और चपाती नहीं खाती हूँ, चपाती मेरी बंद है अभी। आज के समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा भारत में जो सपना चौधरी जी को नहीं जानता। सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू। कैसे गौ माता से जुड़ाव हुआ, कैसा आपका अब तक का अनुभव है, इसके बारे में हमें और हमारे बाकी दर्शकों को बताइए कि इस चैरिटी से, इस कोज से आप क्यों जुड़ी? चैरिटी तो बहुत छोटा शब्द हो जाता है। यहाँ जुड़ना मकसद है इंसानियत, क्योंकि जिस इंसान के अंदर गहराई होगी वही इनका दर्द समझ सकता है, क्योंकि ये बोल नहीं सकते। हम बता देते हैं कि हमें यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, लेकिन ये बता नहीं सकते। यहाँ आके सुकून मिलता है, यहाँ के पता लगता है कि हम कितने छोटे हैं इनके आगे, हम कुछ भी नहीं है इन गवों के आगे, हम कुछ भी नहीं है। और कोई भी ऐसा जानवर जिसको दर्द है और हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, तो हमारा इंसान होने पर लालत है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुनील भाई से मैं हमेशा बात करती रहती हूँ, यहाँ जब भी मेरा मन करता है मैं आ जाती हूँ। बहुत कम आना पड़ता है, लेकिन जब भी मन करता है मैं आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और उनको देख के, सुनील भाई को देख के एक पावर आती है कि और लोग क्यों नहीं करते, किस लिए नहीं करते, क्योंकि ये जो करते हैं वो मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता, इतिहास दोहरा के जाएंगे ये। नहीं नहीं, समय के साथ नहीं। मैं यहाँ एक बार शो करने आई थी, मैंने नॉर्मली बहुत गौशाला में शो किए हैं और मैंने बहुत गौशाला देखी है, लेकिन इस गौशाला की बात अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ आपको दर्द मिलेगा, एहसास मिलेगा, एक दूसरे के लिए केयर मिलेगी। दूसरी गौशाला में बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम हैं वैसी गाय मिलती हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ आपको ऐसी ऐसी गाय मिलेंगी जिनको दर्द है, किसी को पैव नहीं है, किसी को कैंसर है, किसी का कुछ है, कोई एक्सीडेंटल आती है, कोई कैसे आती है, और उनका ट्रीटमेंट करके उनको नॉर्मल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं यहाँ एहसास की वजह से जुड़ी बस, नहीं तो गौशाला में, बहुत गौशाला में जाती हूँ और मैं शोज़ भी लगा के आती हूँ, जितना हो पाता है सभी के लिए करती हूँ, लेकिन यहाँ का एहसास बहुत है। कम है, मैं बताती हूँ, क्योंकि जो गाय की भरपूर सेवा होती है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में होती है खाली, और नॉर्थ इंडिया का डिजिटल बहुत ज़्यादा वीक है, किसी को पता नहीं लगता कि इनकी भी सेवा होती है या नहीं होती है। जिस दिन डिजिटल नॉर्थ इंडिया का बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई हो गया, उस दिन जब लोगों को पता चलेगा, और मेरा मानना है कि भगवान किसी न किसी को उतारता है कि इसके सहारे ये पता चलेगा, इसके सहारे ये पता चलेगा, या ये इंसान धरती पे जाके ये करेगा, या ये इंसान धरती पे जाके ये करेगा। तो मेरे ख्याल से हर सेलिब्रिटी को, जो भी सेलिब्रिटी कहूँगी या वो भी इंसान ही है बेसिकली, लेकिन जो भी उतारते हैं भगवान, तो एक एक को एक एक चीज़ दे के भेजते हैं कि आपको नीचे जाके ये काम करना, आपको नीचे जाके ये काम करना। तो क्या पता भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा हो कि आपको नीचे जाके ये काम करना, तो मुझे छोड़ दिया, तो बाकियों की तो शायद ज़रूरत ही नहीं है सहायता के लिए। अलावा किसी और चैरिटी या कोज से भी जुड़ी हुई हैं? नहीं, मैं किसी से नहीं जुड़ी हुई फिलहाल, और सभी एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी मुझे दिखेगा, देखिए ज़रूरी नहीं है कि मैं गाय के लिए करूँ, अगर मुझे किसी भी जानवर में दर्द दिखेगा तो मैं हमेशा हेल्प करूँगी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, कोई भी हो। और करना भी चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए, तो किसी को मैं फोर्स नहीं कर सकती कि आप इसके लिए ये कीजिए या इसके लिए ये कीजिए। जिसको एहसास होगा, जिसके मन के अंदर होगा, तो वो ज़रूर करेगा, वरना वो नहीं करेगा, क्योंकि किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कुछ अपनी इसके बारे में बताइए। वो पसंद है जो टाइम पे मिल जाए, लेकिन दूध मैं हमेशा एक गिलास पीती हूँ, और दही खाती हूँ, और चपाती नहीं खाती हूँ, चपाती मेरी बंद है, रोटी खाती हूँ, और फ्रूट्स ज़्यादा लेती हूँ, थोड़ा पानी ज़्यादा पीती हूँ। अब तक का आपका नॉर्मली जो सफ़र रहा है, आपके अभिनय का है, इसका अनुभव कैसा रहा है? बहुत अच्छा, आई थिंक बहुत बढ़िया रहा है, और बिल्कुल ऐसा रहा है जैसे एक फिल्म चल रही है, और अभी भी वो चल ही रही है, क्लाइमैक्स ना इंटरवल कुछ नहीं हुआ, द एंड तो पता नहीं कब होना है, लेकिन अभी चल ही रही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। यूथ के लिए, इस देश की युवा के लिए आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगी? यूथ, जहाँ शब्द आ गया वहाँ मैसेज, तो देखिए उन्हें मानना ही नहीं। अगर मानेंगे, किसी की मानेंगे, तो मैं ये कहूँगी, एक तो हेल्पफुल बनिए, सुनना छोड़ दीजिए,
उनकी सुनिए जो आपके सुनते हैं, और हेल्पफुल के साथ साथ वो चीज़ें कीजिए जो आपको मरते दम तक ये रहे कि हाँ मैंने ये किया था, और आपको अपने ऊपर उस बात का घमंड रहे कि बस एक छोटी सी बात कि राइजिंग रुद्रा चैनल को सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थारते अलग कहूँगी हरियाणा वालों राइजिंग रुद्रा चैनल ने जो बढ़िया बढ़िया एंटरटेनमेंट की चीज़ थारी खातर लावेगा, इसने शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।